अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो आपको मालूम ही है वो मक्का के अंदर थे मालूम है नहीं आप भूल पता है, कुरान में लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में थे या नहीं थे नहीं मालूम नहीं मालूम किसी को मक्का गे गे है? मक्का, मक्का ये कैसे बोला वहाँ भेजे गए थे तो... ये बाइबल बताती है आपको कुरान में नहीं लिखा वो तो कुरान में तो डायरेक्ट में है बाइबल में वहाँ से पता नहीं वहाँ से निकाल दिया वो पता नहीं कहाँ से चलते चलाते यहाँ पहुँचे थे बहर कुरान तो की मैं बात कर रहा हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम 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 इस्माइल इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम ये सारे वो लोग हैं जो मक्का के लोग हैं अब ये जो हैं ये दुआ मांग रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और कौन इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ ये मांगते हैं फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वही मोल किताबा व हकमत वकी नज़ीज़ुलम इब्राहीम राम और कौन इसमा सलाम कॉन्टेक्सट में दुआ मांग रहे एरम मबूस कर दे मुकर कर दे इन में फ़ीम का बताओ इन में रसूल इन्हीं में से रसूल को इन्हीं में से मबूस कर दे देम का वो उनके ऊपर तेरी आयत तिलावत करेगा ये पहला पहला उनका काम है वह यू अलि ममूल किताबा वालकमत वो इन देगा उनको किताब का और हकमत का वह इज़्ज़त हिम और तजिक कर देगा जवाब पेश करेगा इन न काजीज़ुल हकीम बेश है हमत है ये जो चार चीज़ें लिखी हुई हैं ये इब्राहिम ने और इसमाई सामने ये दुआ मांगी अब ये जो दुआ है इब्राहिम और इस्मा की ये ये जो अपॉइंट करवा रहा है था अल्लाह ताला इनसे कर दुआ करवा रहा है इब्राहिम इस्लाम इस्मा दुआ कर रहे हैं कि लोगों के अंदर रसूल अपॉइंट हो जाए मुकर हो जाए तो मैं पहले थोड़ा सा आप लोग के जहन में ये बता दूँ कि लोग रसूल समझते हैं सिर्फ एक ख़ास आदमी यही समझते ना आप दाढ़ी वाला शलवार ऊँची हुई पगड़ बांधी हुई ये एक ह्यूमन पिक्चर है आपके पास लेकिन अरबी लफ्ज के अंदर रसूल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो सिर्फ रसूल को उस तरह नहीं रिलेट ले करेंगे जो कि आप रिलेट ले करते आ रहे हैं आज तक जब भी रसूल लफ्ज आता है कुरान मजीद में अरबी में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे का एक, पूरा एक आदमी को कर रहा है मैं मान रहा हूं लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और भी बता रहा है अल्लाह ताला तो हमें पहले ही समझ जाए कि एक दफा अरबी लैंग्वेज में कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं पूरी दुनिया में वो भी रसूल है उसको अरबी में हर साल कहे रसूल कहेगा अरब तो उन लोगों के लिए मशीन नहीं है समझने में ये हमारे लिए जो जो बिल्कुल एक लफ्ज़ी नहीं जानते कुरान का उनके लिए बड़ी परेशानी है तो रसूल अब अमल्ला के रसूल की बात कर रहे हैं तो जब अल्लाह रसूल भेजता है अल्लाह रसूल भेजता है और उन लोगों की नफस्यात में मुक्र कर दे अब आप भेजा कहाँ से आया तो मैसेज अल्लाह ने भेजा वाया ए मैसेंजर वो रूल अमीन रुदस है रूल कुलसम जिबील वो फिजिकल फॉर्म नहीं है उसका तो अल्लाह कहता है यह का नहीं रूह इस जो वर्ड्स हैं इसकी रूह एक, एक वर्ड की एक रूह होती है एक चीज की प्रिंसिपल होता है एसेंस होता है अंग्रेजी में कहते हैं एसेंस उर्दू में कहते हैं रूह और स्पिरिट तो वो कहते हैं यस अलूना ना कर रूह वो तुझसे सवाल करते हैं रूह के बारे माले को रूह में नबी कह दो रूह जो अल्लाह के ऑर्डर से रूह जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग इसकी एसेंस इसकी स्पिरिट वो अल्लाह के ऑर्डर से आती है आप यकीन करें आप दिन रात पढ़ते हैं इस किताब को आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक अल्लाह रूह ना भेजे उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग एसेंस ना भेजा अल्लाह और अल्लाह कहता है मैंने इसके इन लोगों को कलील दे रखा है रू का लोग किताबें पढ़े चले जा रहे यानी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब हर वक्त वही किताब है दुनिया के अंदर बात कर रहा हूं वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई हर लम्हा कोई ना कोई इसको बैठा पढ़ रहा होगा और वही नहीं समझ रहा होगा जो पढ़ रहा है सबसे ज्यादा ना समझने वाली किताब वो भी कुरान है इतने इंटेलिजेंट जीनीस लोग जीरो है इस किताब के बारे में बडे बड़े कारनामे करते हैं लेकिन इस किताब को जीरो है, एक नॉलेज नहीं है क्योंकि उनका कैरेक्टर सही नहीं है यह किताब हर उस इंसान के लिए आसान है जो अपना किरदार सही करती है वरना इतनी डि... नहीं समझ सकते आप नहीं समझाएगा अल्लाह रूल है उसका ला या मुतहरून नहीं छू सकते जब तक तहारत नहीं करोगे तो मैं परेशान हूं मुझे आज माशाल्लाह तीस साल हो गए पच्चीस तीस साल हो गए इतने बड़ बड़ बड़े बड़े जीनियस लोग मैं मिला हूँ से मिले लोग उनको नहीं पता पता नहीं रूरल बने वर्ल्ड में बड़े बड़े आदमी उनको कुछ भी नहीं पता वजह क्या है झूठ नंबर वन झूठ बोलते हैं और झूठ सुनने के आदमी हैं कोई भी शख्स कोई आदमी बात कर रहा है मज़हब की उसका आप सब समझ रहे हैं कोई मेरे पास आप आए मैंने आपके हाथ में किताब दे दी इसमें आए थे कहीं आप गए किसी मज़हबी दर्स में आपको कुछ दिया आपने उसमें जो बोला आप सुन के आ गए मेरे पास तो अल्लाह का फुरान है मैं तो जज कर लूँ एक मिनट के अंदर दो आयतें बोझ लूँ आपकी चेहरा बता दें आप कितने खड़े हैं तो अल्लाह ने तो फुर्कान आपको दिया वह कुरान मतलब फ़ुरान क्राइटेरिया जज करो आयत बोल के अल्लाह कहता आपने तुम्हें नेशनल ट्राइमेट डिवाइड कर दिया ताकि एक दूसरे पहचान करो कैसे आयतें तिलावत करके मैं आयत तिलावत करूँ आपसे पूछू क्या आपका मान हाँ है और फिर जब दूसरी सवाल करो तो कहते नहीं एक देखिए मैं यकीन करें मैं अभी अभी इसी आयत में इसी आयत की बात करूं आप ये ये आयत आप इब्राहिम इस्लाम किसने हाँ किस, किस पहली दुनी यह आयत ये जो आयत है मैं पढ़ रहा हूँ रब्बाना वबा किसने सुना पहले आपने सुना है बस ये सुनी नहीं नहीं हाथ उठाए जिन्होंने सुन रखी है मेजॉरिटी यहाँ पर जितने लोग हैं मेजॉरिटी लोगों ने यह आय सुनी हुई है मतलब यहाँ इस, इस आपके अलावा चंद तीन चार लोगों के अलावा मेजॉरिटी औरत मर्द जहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने याद सुनी अभी मैं आपके सामने इसकी जब मैं वजाहत करूंगा तो आप यकीन करें आप यकीन नहीं अभी आप इसको फौरन नहीं मानेंगे क्योंकि तो आपको पता ही नहीं क्या है अब देखिए इब्राहिम इस्लाम दुआ मांग रहे हैं रब बना वबा फीम रसूल ए रब माबूस कर दे मुकरर कर दे अपॉइंट कर दे रसूल को इन्हीं में से किन में इन्हीं में से कौन है वो लोग जी मक्का वाले भी हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड भी हो सकते हैं मतलब लोगों में मां, अपॉइंट लोगों में करना है अब वो तिलावत करेगा उन पर अल्लाह की आयत उन्हीं में से लोगों में से रसूल को अपॉइंट कर दे जो तिलावत करेगा आयत और इल्म देगा किताब का आयत तिलावत करना तो आप समझ रहे हैं ना आयत तिलावत जैसे मैं आयत तिलावत कर रहा हूं इल्म देगा किताब का अब आप जाके जितने लोग बैठे हैं अगर आप किसी महफिल में गए कभी मजहब की महफिल में तो जब पढ़ेगा वह यूमुल किताब आ मौलवी साहब तो वो कहेंगे किताब जो है क्या है जी और आगे लिख के और एक बात क्या है ज़ोर से बोले प्लीज ये कर दी उसने तैरियफ और आप आराम से बैठे सुन रहे हैं क्योंकि आपने गौर नहीं कर रहे क्या लिखा हुआ है और उसको सही मान रहे हैं तो ये झूठ इस तरह आराम से बोलते हैं लोग के लिए यहां पर किताब के मायने जो है कुरान है और आगे हिकमत जो है बुखारी साहब की हदीस है कोई हदीसी किताब है क्या अल्लाह ताला जब हिकमत की बात कर रहा था सोच रहा था अभी आएंगे बुखारी साहब किताब लिख के ही उसकी बात कर रहे थे अब ये मैंने सुझवाया आपको क्या बुखारा से रशिया में बुखारा है वो अभी आएंगे जब किताब अल्लाह नाजिल कर रहा है उससे पहले बाद में आएंगे बुखारा साहब से बुखारी वो आन के लिखेंगे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए प्रेडिक्शन में लिखा है मैं वो लिखेंगे बताइए अब सोच पाए ना अब या तो उसको मान ही या इसको मान लें अल्लाह की बात को अब अगर सच मानने के आती तो आप ही मान लेंगे वरना वही झूठ माने जाएंगे आप अच्छा फिर वही जो आलिमुल किताब अगर होता वो इन देगा किताब अब किताब की क्या मैंने लिखा हुआ जी किताब के मैंने क्या है लिखाई राइटिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अनपढ़ लिखना पढ़ना आता नहीं था लिखना पढ़ना उन्हें आता नहीं था वो लिखाई का इल्म कैसे देंगे बताइए समझ रहे बात ये प्रॉब्लम देखिए आप पढ़ जा ही रहे भाई जो आलिमुल किताब है वो इन देगा किताब का आपके जहन में पिक्चर है मोहम्मद रसुल्ला के बारे में और वो अनपढ़ उनको पढ़ नहीं पढ़ नहीं सकते ये पढ़ नहीं सकते और लिख नहीं सकते और इन दे रहे हैं किताब का तो क्या जो आपको बताया जा रहा है वो सही है या लिखा हुआ सही है तो अगर सच को मानेंगे तो आप मानेंगे माना झूठ सुनते आ रहे हैं तो वही मानेंगे आप इसको कहेंगे शेख साहब कुछ करना है मैं मैनुपलेट कर रहा हूं जादू कर रहा हूं तो वही, वही करेगा जस्टिफाई कर देगा अब आपको जस्टिफाई दे दिया अब आप लोगों काम है मिसाल के तौर पर जस्टिफाई कैसे मैं करवा रहा हूँ कि या तो आप ये बताइए कि जो आयात में लिखा है कि उनको इल्म, उनको, उनको जो रसूल जो अपॉइंट होता है उसको इल्म होता है किताब का वो किताब का इन दे ही नहीं सकता जब तक उसके इन ना हो वो आया तिलावत नहीं कर सकता जब तक उसको पढ़ना नहीं आता हो तो ये बात बता रहा हूँ मैं प्रूफ दे जस्टिफाई कर रहा हूँ और ये बुखारी साहब की हदीस नहीं लिखी हुई यहाँ पर हमत की जो बात लिखी हुई हमत कुरान मजीद में एक वर्ड आया और बार बार अल्लाह ने को बताया वो हिकमत है क्या वो एक अलग टॉपिक है मेरा अलग से तो ये इस तरह मतलब धोखा दे देते लोग और लोग धोखे को सुन लेते और आप समझते हैं हम सही जा रहे हैं तो ये ये समझिए कि यहाँ पर हमत जो है वो हमत अलग वर्ड है तो अब ये जो दुआ मांगी इब्राहिम इस्लाम ने तो मांगी अब अल्लाह ताला ने सूरज जुमा में

वही यकीन तस्किया कर रहा है और इन दे किताब का और हमत का और इससे पहले व इन कानून कबलू लफी दलाल मुबीन वो लोग गुमराही में थे अब यहाँ पर उम्मी कौन है उम्मी कौन है जरा जोर से बोले प्लीज अच्छा पीछे मक्का वालों की क्या लिखा था उनमें कैसे मक्का वाले जो किताब नहीं जानते वमिन उमियन ला या आलमल किताब उमियों में ऐसे भी हैं सारे नहीं उनमें ऐसे भी हैं जो किताब नहीं जानते इल्ला अमानिया यानी वो तमन्नाएं करते हैं वो इन अलाद्न और वो गुमान करते हैं गुमान तो अल्लाह कह रहा है कि अब यहां पर रसूल अपॉइंट कर रहा है उनने उन्हीं लोगों में अल्लाह रसूल उमियों में अपॉइंट कर रहा है वही ज़ात है जो अपॉइंट कर रहा है उम्मियों में रसूल उन्हीं में से अलैहिम आयती वही उम्मीओ में अल्लाह यहां पर आयत में बता रहा है कि वो रसूल अपॉइंट कर रहा है मुक्र कर रहा है उम्मीयों में वो जो जो तमन्ना कर रहे हैं जो किताब का घुमा नहीं है तो उनमें रसूल को अपॉइंट कर रहा है और वो इस जकम उनका तस्किया कर रहा है और इन दे किताब का, का और इससे पहले वन कानून कबल लफीज जला वो उम्मी कौ थे इससे पहले वाज गुमरा थे उमी वाले मक्का वाले जो थे वहाँ के लोग वाज गाह थे उनमें से ऐसे लोग थे जो वाज घुमरा थे तो यहाँ पर यह प्रजर वाज घुमरा भी थे अब अब फर्ज करिए इस वक्त इस वक्त मैं एक मिसाल दे आपको समझाता हूं इसी लमहे में यहां कमरे में सेंटर में इसी जगह इस जगह बैठे जहां ये लेक्चर सुना जा रहा है और बाद में जब भी सुना जाएगा तो ये समझे जब मैं आयत तिलावत करूं कभी भी याद रखे कोई भी जब आदमी आयत तिलावत करे एनी वन उस वक्त अल्लाह कलाम कर रहा होता है ये आप अपने जहन में समझ लीजिए किसी मुर्दा की आदमी किताब नहीं है ये अल्लाह हयुल क्यूम है और जैसे आपने उसके कलाम के वर्ड्स बोले वो उसके अंदर जो स्पिरिट है एसेंस है वो कम्युनिकेट हो रही है अब मैं इसी आयत की बात कर रहा हूं यहां पर उम्मीद बैठे हैं क्या इस वक्त यहां नहीं है ना लेकिन ये माबूस कर रहा है उम्मीद में तो अब ये अल्लाह ने जब ये मुझसे यहां पढ़ा मैंने तो अल्लाह मैं ये बिलीव करूंगा कि अल्लाह ने वहां पॉइंट कर दिए जब मैंने पढ़ा सुन रहे मेरी बात को मेरी बात समझने की कोशिश कर मैं क्या कर रहा बहालिन वही ज़ात है जिसने उमियों में अपॉइंट कर दिए रसूल प्रेजेंट टेंस में अभी इसी बात अपॉइंट कर दिए क्योंकि प्रेजेंट में बात है रसूल मीन यदू आलिम आए थी वहाँ वह तिलावत हुई आई थी उसकी वह हालांकि हुई नहीं है लेकिन ये टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है ना तो मैंने अभी पढ़ा तो अभी अभी भी हो रहा है वही जकीम और तस्किया हो रहा है और वहीम उल किताब और किताब ये अभी भी हो रहा है तो वहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है ये समझिए अल्लाह कर रहा है ये मैं तो सिर्फ रिपीटर हूँ फिर वो कहते इससे पहले लफीजार में भी वो घुमराते थे पहले क्योंकि उन्होंने तमन्ना थी उनके और गुमान था तो घुमरा भी थे अब क्या हुआ फ़र्ज करिए सपोज़ करें कुछ सपोज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके ये यह बात यहां हो रही है यहां हो रही है अभी आगे आपको समझ आ आया यहां हो रही है तो आपको लग रहा है यहां हो रही है अभी वह वह वहां कैसे हो जाती है लेकिन यहां तो आप मान सकते हो रहा है तो यहां से भी आप ट्रांसफरेंस करें कुछ लोगों में ये चीज़ हो गई समझने के लिए क्यों अल्लाह ने कर दिया पॉइंट क्योंकि लिख रहा अपॉइंट कर दिया मुक्र कर दिया लेकिन दूसरे ऐसे हैं अभी उनमें अपॉइंटमेंट नहीं अभी वो तो आगे लेकर व आखिरी ना मिन हम लम्मा याकूब भी हिम वह हुआज़ीज़ुल हकीम और उनमें से दूसरे लोग जो उनके साथ मिले नहीं अभी रसूल मुकर नहीं करा, करा करा और वो ज़बरदस्त हिकमत आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तो मुकर्र हुआ लेकिन अभी वहाँ नहीं हुआ वो अभी उन्होंने मैसेज यहाँ पहुँचा नहीं है उन तक अभी मैसेज पहुँचा नहीं जहाँ पर भी ये चीज़ नहीं हुई वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और जहाँ हो गई अपॉइंटमेंट हो गई बात समझ आ रही जैसे कुरान की अभी मैं अब पूछूं कि किसी को कुरान के आयतें याद हैं उसकी अरबी मायने याद हैं तो उसके पास कुरान भी है आयते भी हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है तो जिसके पास नहीं है तो उसके रसूल भी अपॉइंटमेंट है कुछ भी अपॉइंटमेंट नहीं है ना अल्लाह से कम्यूनिकेशन ना उसके अल्लाह की बात पता है उसको तो ये जो दूसरे हैं वो उनमें से दूसरे ऐसे हैं जिनको अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया रसूल ने उनको अभी ज्वाइन नहीं किया ऊपर तो लोगों को ज्वाइन कर दिया लेकिन दूसरे ऐसे भी जिन्होंने ज्वाइन तो ये हर जमाने दोनों बातें रहेंगी कि अभी ज्वाइन होते जा रहे हैं और ज्वाइन ज्वाइन कुछ हो गए जिन कर दिया और कुछ लोगों को नहीं किया ज्वाइन बाद में हो रहे हैं वो आखरीन और दूसरे ऐसे उनमें से लमा या लहकूबी बहूल वहु, वहु, आजीज़ लि और उनमें से दूसरे लोग जो उनके साथ मिलने मिलने नहीं है रसूल मुकर करता है और वो जबरदस्त हमत वाला है ये बात समझ में आ गई ना आपको एक कंटिन्यूस प्रोसेस है टाइम फ्रेम ऐसी चीज़ है कुरान की कि आप टाइम लिमिट्स में बात कर रहे होते हैं कि अभी ऐसा हो भी रहा है आपके सामने मैं बोल भी रहा हूँ इतना तो हो भी रहा है और जो लोग ट्रांसफ्रेंस हो रही है उनके साथ जिनके साथ नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँच रहे और जो नहीं सुना है उन तक नहीं पहुँचे तो एक होता है जैसे अभी मैं कहूँ एक चीज़ मुझे पता चल रही किताब में मैंने दाखिला लिया स्कूल कॉलेज में मुझे पता ही नहीं है कुछ और जब मुझे पता चल गया तो मेरे पास पता चल गया मुझे और जिनको नहीं पता अभी नहीं पता इस तरह ही चलता रहेगा जमाने में अब सूर्य बकरा में यही इसी टाइप की आयत फिर दोबारा आती है तमाय और मिन कम यदली मायाती वहीज़क्म वहीकमल किताबःमा वायुआलमकुम मालमतको तम जैसे हमने भेजा रसूल तुम में से यदली मायातीना वो तिलावत करेगा तुम्हारे ऊपर आयत हमारी वहीक्की कुम और तस्किया करेगा तुमको वहीकमल किताबा और वो इन देगा किताब का और हकमत का वाई आलिम तुम मै लम तको था और तुम इल्म देता था जो तुम, नहीं जानते, थे। जो इल्म दिया, तुम नहीं जानते थे पहले जब तक अल्लाह रसूल को नहीं भेजेगा और हमारे अंदर नफ्सियात में मुकर नहीं करेगा हम नहीं जानते जब तक अल्लाह ऐसा काम नहीं करेगा जैसे पीछे बताया पहले इब्राहिम की दुआ थी फिर उमियों में रसूल अपॉइंट किया फिर इसी तरह कहता हमने तुम्हारी तरफ भेजा कमा मुखातम कर दिया पहले उनकी तरफ था अब ये तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ आ गया और फिर कहता है वो तुम्हें इन दे रहा है जो तुम नहीं जानते बाकी सब चीजें लास्ट ये है तुम्हें जो इन मिला वो तुम पहले नहीं जानते थे इंफॉर्मेशन आपके पास दी थी ऐसी अब ये जनरल देखिए आले इमरान थ्री फिर वही बात है जनरल है लेकिन ये पूरी आयतें कुरान में ये तीन चार दफाई इसके और नहीं है। लकद मनू على المؤمن إذ فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين देखिए पहले उम्मीदों में अल्लाह ने रसूल अपॉइंट किया फिर अल्लाह ने कहा तुम में अपॉइंट किया अब यहां लगा रहे मोमिनों में अपॉइंट किया मोमिन कौन है जो ईमान ला रहे हैं और इसके एंड में क्या लिखा है इससे पहले तुम वाजे गुमराही नहीं थे मोमिन मोमिन कौन है जो अब देखो ईमान ला रहे हैं आयात पर जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर जो ईमान लाते हैं किताब पर जो ईमान लाते हैं आगरत पर हैं वो उनको कह रहे हैं तुम तो वाजे घूम रहे हो जब तक रसूल तुम्हारे अंदर अपॉइंट नहीं हो जाए काला काला रसूल है तो बहुत अपॉइंट किया हुआ है यूं चलते थे यूं बैठते थे यूं चलते थे यूं, यूं सब अपॉइंट है यहाँ का कुछ अपॉइंटमेंट नहीं है अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई लोग हाँ पूरी कहानी बता देंगे आप उस आदमी के बारे में और कहेंगे रसूल रसूल सल्लम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको इतनी मोटी मोटी ब्रिटैनिका में किताबें लिखी हैं रसूल्ला के बारे में आपको पता है वो रसूल है क्या वो लोगों लिखा भाई जान वो अल्लाह के रसूल की किताब नहीं है वो ये है रसूल अल्लाह के रसूल किताब ये कुरान इतनी जो आप किताबें पढ़े चले जा रहे रसूल सल्लम के बारे में वो अल्लाह की भेजी हुई नहीं भाईजान एक लफ्ज ही अगर आप कहेंगे वो रसूल पकड़े जाएंगे क्या वन वर्ड लगा है लकद मदन लाल जो मान रहे हैं ईमान ला रहे हैं लेकिन ये भी मान रहे हैं तो कह रहे इसम जब अपॉइंट किया उसने उन्हीं में रसूल उनकी नफ्सियात में मिन उनकी नफसियात में रसूल आ गया अब नफ्सियात में रसूल कैसे आ मैं जो आयत तिलावत कर रहा हूँ मेरे पास कहा गया इंफॉर्मेशन मैं कहां से बोल रहा हूँ जी किताब से तो बोल रहा हूँ इंफॉर्मेशन यार किताब से तो अल्लाह ताला जब तक मुझे नहीं समझाएगा मैं बोल ही सकता और नहीं तो आप में से कोई आगे बोल के दिखाए मुझे अगर अल्लाह आपको नहीं पढ़ाएगा तो आप बोल नहीं सकते कोई भी किताब अगर आपको नहीं पढ़ी हुई आप कैसे बोल सकते हैं हाँ मगर हमारे साथ मसला क्या है मज़हब के, के मामले में सब चैंपियन बने हुए हैं कुछ जानते एक लफ्ज ही पढ़ा कुरान का ये किताब का चैंपियन है और जो पढ़ रहा है जो बता उसको गलत कह रहे हैं यानी मैं पढ़ के आयथे बता रहा हूँ मैं गलत हूँ और जो एक लफ्ज नहीं बैठे दुनिया बैठे हुए टांग पे टांग रख के गलत काम करते फिर रहे कह रहे मोहम्मद शेख गलत बता रहा है क्योंकि खुद जानते नहीं कुछ भी एक लफ्ज का पता नहीं है कुछ पढ़ा नहीं कुछ समझा नहीं बताए बताइए तो यहाँ पर यहाँ मोमिनों कह रहा है उनकी नफस्यात से रसूल को अपॉइंट कर दिया और वही अमल करेगा यत्म आयत ही, ही वो तिलावत करता है उनके ऊपर आयात वहीजी इम और उसका तस्किया करता है वहीमुल किताब है वो इन देगा किताब का लिखाई का वल हैकमत व इन कानून इन कब्लुलरफी जला मुबीन यही जुमला वन कानून इन कब्लुलरफी सला मुबीन वहाँ उमीन उमीन जो उम्मी जो लोग थे मक्का वाले उनमें भी ये लिखा है वहीन कानूम इनकबलफ़ी सलामीन और उससे ऊपर लिखा वही तकल और तुम्हें वो इन दे देगा तुम नहीं जानते थे यानी आपको अल्लाह ताली का रसूल जो क़ुर अल्लाह की तरफ से रसूल आता है जब वो अपॉइंट होता है तो उसकी तीन चीज़ें पता रहा है एक तो तुम नहीं जानते थे पहले तुम्हें जो कुछ इन्फॉर्मेशन है अल्लाह ने अगर आयत की तरफ नहीं आया तो आपको पास इंफॉर्मेशन अल्लाह की तरफ से नहीं है ईमान तो लाना चाह रहे हैं आप मोमिन तो हैं मोमिन है मगर जला मुबिन है गुमराह है वाजे तो वह कह रहे हैं वही इन कानून रफ़ी जलाल मोबिन मोमिन को कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तरफ से जो रसूल आता है अपॉइंट होता है मुकर कर दिया जाता है वो नहीं पता है तो उसको वो वाजें गुमरा ही तो जब यहाँ से पता चलेगा तो आपको आएगा तो वही कह रहा है वही वही मालम तालामुन और तुमको वो इल्म दे देगा जो तुम नहीं जानते थे तो ये चार पाँच आयतों की मैंने आपको बता दी अब ये सारा पॉइंट हुआ उम्मी का याद है कि टॉपिक उम्मी का चल रहा है